हाय सखीस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल से मैंने हेयर केयर और हेयर कट के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका कि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। तो वीकली मैं 2 या 3 वीडियो डालूंगी इस सीरीज के अकॉर्डिंग, और आपने उन तीनों वीडियो को जरूर देखना है अगर आप हेयर केयर और हेयर कट को सीखना चाहते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैंची को कैसे होल्ड करते हैं, कैंची को होल्ड करने की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ हमने कॉम को कैसे होल्ड करना होता है। कैंची और कॉम दोनों अगर आपने एक साथ होल्ड करना सीख लिया तो किसी क्लाइंट को कटिंग करते हो ना, तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा। चीज़ों को शुरू से सीखना, बेसिक चीज़ें जरूर सीखना, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें मेनली बताने वाली हूँ। पहला तो है कि सीजर और कॉम को होल्ड कैसे करें, होल्ड करने की प्रैक्टिस कैसे करें। दूसरा है, क्लाइंट जब आपके पार्लर में आए और या फिर आप क्लाइंट को डील कर रहे हो तो कैसे डील करना है हेयर कट के टाइम पे उसको, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पार्लर में क्लाइंट आते हैं हेयर कट के लिए, तो आप उनको कटिंग शीट लगा के कंफर्टेबल एक चेयर पे तो बिठाओगे ही, उसके साथ साथ आपने उनके बालों की लेंथ को देखते हुए पूछना है कि कटिंग कितनी करनी है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे इतनी कटिंग करनी है तो आपने यहीं से नहीं काटना, आपको थोड़ा सा नीचे से काटना है, सो दैट आप बिगनर हो। अगर आप एकदम से यहीं से काट दोगे तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बाल और छोटे हो जाएंगे और फिर क्लाइंट आपके ऊपर हो सकता है गुस्सा हो जाए, तो इसलिए आपने थोड़ा कम काटना है। और ये बात कर्ली बालों पे और भी ध्यान रखना है। कर्ली बालों में जब आप वाटर स्प्रे करोगे ना तो बाल लंबे हो जाएंगे, और लंबे बालों को अगर आप उसके अकॉर्डिंग कट कर दोगे तो फिर जब वो सूखेंगे ना तो काफी छोटे हो जाते हैं। दूसरा आता है, बालों को कॉम कैसे करें। क्लाइंट पार्लर में आते हैं, उनके बाल उलझे होते हैं, हम ऐसे ऐसे करके सुलझाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप सुलझाते हो ना तो बहुत पेन होता है, और आप बालों की जो गांठें होती हैं, टैंगल्स होते हैं ना, वो निकलते नहीं हैं। तो आपने बालों को सुलझाना कैसे है, यहाँ से सुलझाना है आपको। मोटी जी कॉम वाली कंघी लेनी है, कर्ली बाल है तो जरूरी है ये कंघी, वरना आप इससे भी सुलझा सकते हो, लेकिन मोटी जी कॉम वाली जो कंघी होती है वो बहुत अच्छे से बालों को सुलझाती है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था पिछले साल, तो वो वीडियो का लिंक मैं डालने की कोशिश करूंगी, आप देख सकते हो। तो खूब आराम से इस तरह से बालों को आपने सुलझाना है। अगर बाल बहुत ही अनसुलझे हैं तो आपको उस पर वाटर स्प्रे करना है, हल्का सा सीरम लगाना है, उसके बाद बालों को एकदम टैंगल फ्री करना है। टैंगल फ्री करने के बाद ही, जब बाल 100% टैंगल फ्री हो जाए तभी आपको कट करना है बालों को, ठीक है। बालों में अगर टैंगल होगी तो गांठें होंगी, उलझने होंगी बालों में, तो आपकी कटिंग सही नहीं बैठेगी। तो सबसे पहले क्लाइंट को बिठाना है, कटिंग सीट लगानी है, वाटर स्प्रे करना है। बाल बहुत ज़्यादा अनसुलझे हैं तो आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि अगर आप चाहो तो अपनी बाल सुलझा लो, लेकिन अगर आपने सुलझाना है तो आप उनमें वाटर स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा हेयर सीरम का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि बाल मैनेजेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से सुलझा लोगे। तो ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि सीजर को कैसे होल्ड करना है, कॉम को कैसे होल्ड करना है। अब देखिए, ये सीजर है, ये आपको 150 से 200 रुपये के अंदर मिल जाएगा, हो सकता है 250 में भी मिले, बट मैंने इसको 200 रुपीज़ में लिया है। तो ये सीजर है और इसको आपको होल्ड कैसे करना है ये देखना है ना। तो ये जो थोड़ा सा बड़ा है उसमें आपने अंगूठा फंसाना है, और फिर ये जो रिंग फिंगर है उसको इस तरह से पकड़ना है, और ये इन दोनों हाथों से यहाँ होल्ड करना है, और ये वाली उंगली यहाँ रखनी है, ठीक है। और जब आप कटिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं चलाना आपको, बस अंगूठे की मूवमेंट पे ध्यान देना है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कैंची चलेगी, ऐसे चलेगी, जैसे भी चलाना है अंगूठा के का मूवमेंट ज़्यादा होगा। और ये जो उंगलियाँ अगर आप यहाँ रखते हो, ये वाली उंगली यहाँ रखते हो, तो कैंची ना आपकी बैलेंस रहेगी बिल्कुल, और आप अच्छी कटिंग दे सकोगे अपने क्लाइंट को। तो आप इस तरह से सीजर को पकड़ना सीखें। इसके साथ आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे पकड़ा है ना, और जब ये कटिंग खत्म हो जाए तो इसको हमने कैसे रखना होता है, इस तरह से रखना होता है, ठीक है। और इस हाथ में पकड़ के हम इस तरह से कॉम करते हैं, इस तरह से पकड़ा आपने और इस तरह से चला रहे हो आप, है ना। उसके जब आपकी कटिंग हो जाए तो आपने इस तरह से इसको होल्ड करना है, और फिर वापस कटिंग करना है तो फिर आपको इस तरह से फंसाना है और ऐसे दबाना है ना। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आप प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो ना अपना, तो इस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे सीजर को होल्ड करें
और कैसे इसको चलाना है और कैसे इसको फिर से कटिंग होने के बाद फिर इस तरह से इसको होल्ड करना है। तो सब कुछ प्रैक्टिस की बात होती है और इस तरह से हम कंघी ही पकड़ लेते हैं और फिर हम क्लाइंट के इस तरह से कॉम्ब करते हैं। देखो जब हम कटिंग नहीं कर रहे होते तो सीजर का सिरा इसलिए नीचे रखा जाता है जिससे कि क्लाइंट को कॉम्ब करते समय कोई चोट ना पहुंचे, क्लाइंट हर्ट ना हो। हमारे हाथ में कैंची कैसे होती है, ऐसे होती है, इस तरह से फंसी हुई होती है। और फिर जब हमने कटिंग करना होता है कॉम्ब हम साथ में ले सकते हैं और फिर इस तरह से हम कटिंग शुरू कर देंगे। तो अंगूठे की मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ऊपर नहीं चलाना है, अंगूठे को ज़्यादा मूव करना है, ठीक है। होप कि वीडियो समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको बैंग्स करना या फ्रंट के लेयर्स करना बताऊंगी जिससे कि आप छोटे लंबे कैसे भी बैंग्स या लेयर्स कर सकते हो फ्रंट साइड से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चे घर बैठे सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे हर चीज़ बता रही हूँ, एक एक के समझ में आ जाए। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।